अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने दो केसेस जो है वो देख लिए। एक केस जो है वो हमारे पास राइट राइट वायलेशन का था, ठीक है, ये हमारे पास केस नंबर वन था। दूसरा केस जो है वो हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन का था। अब लेट से और पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो हमारे पास अगर दो ही हमारे पास दो लेवल्स पे जा रहे हैं, तो या राइट राइट वायलेशन होगी, या लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन होगी, या राइट लेफ्ट वायलेशन होगी, या फिर लेफ्ट राइट वायलेशन होगी। तो अब हम लोग तीसरे केस की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे पास राइट लेफ्ट वायलेशन है तो वो हमारे पास किस तरह होगी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसके मैं कलर्स जो है वो मैं अब हम लोग जो है वो लेट्स से राइट लेफ्ट वायलेशन जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कहाँ पे हमारे पास हो सकती है, क्या चलें राइट लेफ्ट पे नहीं जाते, लेफ्ट राइट पे पहले चले जाते हैं। तो 30 के बाद हम लोग लेट्स से 35 से छोटी वैल्यू, 30 से बड़ी वैल्यू 32 हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 32 जो है वो नई वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 30 का बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 35 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, होगा सर, टू नहीं सर, टू टू हो होगा। जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हाइट हमारे पास जो है वो 2 है और राइट हाइट जो है वो हमारे पास 0 है। तो 2 - 0 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि हमारे पास ये जो वायलेशन है ये हमारे पास 35 पे आ रही है, ठीक है। और ये वायलेशन कौन सी है, वायलेशन से हम लोगों ने जाना होता है नई नोड की तरफ। जरूरी नहीं है कि हम लोग नई नोड तक पहुंच भी जाएं। जिस तरह आप देखो, जब हम लोग ये लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन देख रहे थे, जब देखा था 75 पे वायलेशन हुई है, तो हम लोग के पास जो न्यू नोड है वो तो 4 लेवल्स नीचे थी, मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो तो हमारे पास 4 डिस्टेंस 4 पे थी। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ जहाँ पे वायलेशन हो रही होती है उससे 2 स्टेप्स मूव करना होता है टुवर्ड्स द न्यू नोड, ठीक है। उससे हमें बस इतने के अंदर हमें पता चल जाता है वायलेशन कौन सी है और उसे हम लोगों ने हैंडल किस तरीके से करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 35 है हमारे पास जो वो वायलेशन हो रही है। ऑफकोर्स हो सकता है 35 पे हो रही है तो हमारे पास जो है वो 25 पे भी हो रही हो, ठीक है। लेकिन उससे हमें डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब 35 की वायलेशन रिमूव करेंगे तो 25 की वायलेशन ऑटोमेटिकली जो है वो अपवर्ड वायलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ये एवीएल की प्रॉपर्टी है। अगर किसी और बैलेंस ट्री की बात करें, जिस तरह रेड फ्लैग ट्री की बात करें, तो उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर इस तरह नहीं होगा। उसके अंदर हमें रूट तक जो है वो जाना पड़ेगा। अच्छा, इधर हम लोग 35 पे देखा कि हम लोगों के पास वायलेशन 1 कौन सी रही है, तो हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। वी स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द न्यू नोड। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास लेफ्ट है और अगला जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास राइट है, ठीक है। तो वी वुड से दैट दिस इज अ लेफ्ट राइट वायलेशन, ठीक है। इट इज अ लेफ्ट राइट वायलेशन। सो लेफ्ट राइट वायलेशंस को हम लोग हैंडल किस तरह करते हैं, जो भी हमारे पास इस तरह डिफरेंट वायलेशन आ जाती हैं, जैसे लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आ गई, तो उससे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन में या राइट राइट वायलेशन में। तो जब भी हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन होती है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक सॉरी जब भी हमारे पास लेफ्ट राइट वायलेशन होती है तो उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन में, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन क्या होगी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 30 को जो है वो हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे। जब 30 को हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 32 30 30 की जगह पे आ जाएगा, और ये जो वायलेशन है 35 से अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करें तो फिर हमारे पास अब ये लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन जो है वो बन जाएगी। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जब भी हमारे पास लेफ्ट राइट वायलेशन हो तो ये काइंड ऑफ आपके पास एक ये एंगल सा बन रहा है ना, एक एल्बो टाइप चीज बन रही है, इस एल्बो को सीधा करना है, ठीक है। इस एंगल को जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में, ये अगर हमारे पास इस तरह की चीज बन रही है, इस तरह का हमारे पास एक काइंड ऑफ एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जिस चीज की वजह से ये एंगल बन रहा है उसको पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे, वो चीज हमारे पास नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली नोड हमारे पास नीचे आ जाएगी, और जो यहाँ पे पहले नीचे जो नोड थी ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगला काम हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे वायलेशन हो रही थी उसको हम लोग राइट रोटेट करेंगे। तो उसको राइट रोटेट करने से हमारे पास क्या होगा कि वो चीज़ हमारे पास नीचे चली जाएगी, जो सेंटर वाली चीज़ है वो हमारे पास ऊपर चली जाएगी, और लेफ्ट वाली चीज़ जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये वाली नोड इधर चली गई,
और ये वाली नोट हमारे पास इधर आ गई और ये नोट अपनी जगह पे रह गई, ठीक है। तो इसके अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़ समझने वाली ये है कि जब हम लोगों ने 32 को इंसर्ट किया तो वायलेशन किस नोट पे हो रही है, 35 पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस फैक्टर हमारे पास 2 हो रहा है। अगली चीज़ कि वायलेशन कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट वायलेशन है, ठीक है। लेफ्ट राइट वायलेशन के अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि जो जहाँ जिस नोट पे वायलेशन हो रही है, 35 पे वायलेशन हो रही है, उसके लेफ्ट चाइल्ड को लेफ्ट रोटेट करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, लेफ्ट रोटेट 30 करेंगे। अगला काम क्या करेंगे, राइट रोटेट 35। तो बस इतना याद रखें, लेफ्ट राइट वायलेशन है तो पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है उसको, फिर राइट रोटेट करेंगे जिस नोट पे वायलेशन हो रही थी उसको, ठीक है। तो अब मुझे कौन बताएगा कि जब हम लोग 30 को लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या ट्री का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो राइट सब ट्री है वो तो उसी तरह रहेगा ना। राइट सब ट्री तो हमारे पास उसी तरह रहेगा, ठीक है, और फिर लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास 25 उसी तरह रहेगा, 25 का लेफ्ट चाइल्ड उसी तरह रहेगा हमारे पास। तो थोड़ा सा हमारे पास इसके लेवल को मेंटेन रखते हैं, बस 25 आ गया, ठीक है। 25 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 10 उसी तरह रहेगा, 25 के राइट साइड पे अब क्या आ जाएगा, 25 के राइट साइड पे क्या आ जाएगा सर, अभी 35 ही रहेगा, 35 ही रहेगा, ओके। और 35 के लेफ्ट साइड पे 32 आ जाएगा। अब देखो 30 को लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं ना, तो उसने नीचे चले जाना है और उसका जो राइट साइड है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये 32 आ गया और 30 किधर चला जाएगा, 32 के लेफ्ट साइड पे। अभी देखो ये वायलेशन हो रही है, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, सॉरी, हाँ नहीं, बाइनरी सर्च ट्री तो फिर भी है, 35 के लेफ्ट साइड पे 32 है, 32 के लेफ्ट साइड पे 30 है, तो इससे कोई मसला नहीं है। अब ये काम हमारे पास हो गया, अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, राइट रोटेट 35। अगला काम हम लोगों ने ये करना है कि 35 पे वायलेशन हो रही थी तो 35 को हम लोग जो है वो राइट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो 35 को जो है वो हम लोग जब राइट रोटेट करेंगे तो क्या होगा बेटे, 35 की जगह 32 आ जाएगा और 32 के राइट में आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसी को हम लोग जो है वो तो हमारे पास जो है वो अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब 35 को जब राइट रोटेट करेंगे तो 35 की जगह 32 हो जाएगा। जब राइट रोटेट करते हैं तो उस नोट की जगह पे उसका लेफ्ट चाइल्ड आ जाता है, तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। 35 जो है वो इसके राइट साइड पे चला जाएगा और 30 इसके लेफ्ट साइड पे उसी तरह रहेगा जिस तरह पहले। तो अब देखो कि हमारे पास जो है ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं हो रही, वो ट्री हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। जस्ट इमेजिन के यही अगर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बना रहे होते तो हमारे पास जो है वो अभी तक ये बैलेंस नहीं रहना था, लेकिन AVL ट्री है तो इसके अंदर इंसर्शंस के साथ साथ हम लोग जो है वो ट्री को बैलेंस करते जा रहे हैं, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हो,